एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक। मैं सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैंने खाना वगैरह खा लिया। अब करूँगी मैं रूम की सफाई और थोड़े से जो है ठंडे कपड़े मैं उठा दूँगी क्योंकि इतनी ठंड नहीं बची है अब, तो ठंडे कपड़े जो मैंने आज थोड़े से उठा देने और ना ठंडे कपड़े नहीं सॉरी गर्म कपड़े जो मैंने थोड़े से उठा देने और ठंडे कपड़े जो मैं वो निकालूँगी आज बेड से अपने दीवान से। तो करते हैं काम, तो डेली रूटीन करते हैं अपनी, काम पे लग जाती हूँ। तो मिलते हैं, पहले मैं रूम की सफाई करती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ गाइस। तब तक के लिए मेरी वीडियो पे बने रहिए। A few moments later, अभी जाने वाली हैं तो ब्लैंकेट वगैरह जो है धो के रखने पड़ते हैं गाइस। आज मैंने खुले दीवान और इसमें घुस के चूहा पता नहीं कहाँ से, जैसे मेरे ये खुला वैसे चूहा आगे से मैं डर गई, तो मैं निकाल रही हूँ ठंडे कपड़े और गर्म कपड़े थोड़े उठा रही हूँ। देखते हैं, बुलाते हूँ, निकालती हूँ थोड़े से ब्लैंकेट। दो ब्लैंकेट धोए आज, दो ब्लैंकेट धोए हैं गाइस, तो वो भी रखे हैं सूखने के लिए बाहर। तो अभी शायद ये भी क्योंकि अब धुलने ही हैं कपड़े, क्योंकि सर गर्मी आ रही है तो फिर जो ऐसे कपड़े गर्म वो सारे धो के रखने तो मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग पूरा, फिर मिलते हैं। ये मेरे बड़े भैया की जो पैंट थी वो है कपड़े इसके, ये भी बहुत संभाल के रखे हैं मम्मी ने। अभी तक मेरे बड़े भाई की बहुत यादें हैं, जब भी मैं कभी भर मोर जाती हूँ या आते हैं तो बहुत ज़्यादा याद आती है भैया की। मेरे भैया की जो बड़े भैया की फ़ोटो दिखाऊंगी उनकी उनकी ये थी मेरे बड़े भैया की पैंट थी, उनके कपड़े इधर अभी भी आते रखे हुए हमने संभाल के। वो जब भरमौर में जाते हैं वहाँ भी ऐसे निकल पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा याद आती है हमारे भाई की, बहुत ज़्यादा। तो गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपके साथ। तो मेरे बड़े भैया के इतने कपड़े हैं, भरमौर में जाते हैं उधर भी निकल पड़ते हैं, इधर होते तो इधर भी निकल पड़ते हैं, तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा याद आती है भैया की, तो याद ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइस ये थे मेरे बड़े भैया, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तब मेरे बड़े भैया इतने से थे, ये जो थे मम्मी है मामू नानू और मेरे ये बड़ा भाई। अभी मैंने पूरी क्लीनिंग वगैरह करके पूरे घर की जो भी है क्लीनिंग करके इधर भी पूरा सेटिंग किया मैंने और कपड़े वगैरह उठा के उधर रखे हैं, मतलब गर्मी वाले थोड़े निकाल लिए क्योंकि अब ठंड गर्मी आ रही है तो थोड़ा उतना ही आपको पता ही कि मतलब थोड़ा मतलब गर्मी आ रही है, तो मतलब गर्मी वाले कपड़े जो मैंने बाहर निकाल लिए थोड़े क्योंकि इतनी ठंड नहीं हो रही, एक आधे दो सूट हैं अगर बहुत ही ठंड होगी तो वो पहन लूँगी मैं। और क्योंकि ये तो अंदर आपको पता है एक ही रूम है तो एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है एक रूम में, तो पीछे आपको शोर आ रहा होगा, तो नीचे शादी है हमारे मोहल्ले में नीचे, तो वहाँ पे बैंड बाजा बज रहा है, तो आज थोड़ा सा मतलब मूड ऑफ हो गया मेरा क्योंकि आज मैंने कि मेरे दो भाई थे, मेरे दो भाई हैं मेरे बड़े, तो जो बड़ा वाला भाई है मेरा मतलब बड़े भैया थे जो मेरे, वो मतलब ड्राइविंग करते थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ था आज से 7-8 साल पहले, तो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा वो हो गई थी, मतलब स्पॉइल समझ लो कुछ भी मतलब वो नहीं था। 6th क्लास में पढ़ रही थी मैं, कोई ना कोई चीज़ दिख जाती है ना तो बहुत ज़्यादा फील होता और बहुत ज़्यादा बुरा लगता, तो जैसे ऐसा हो जाता है कि वो दिन आज ही है, जैसे भाई एक साथ जो भी हुआ था तो बहुत जैसे फील होता। तो अब जो मेरा भाई है मैं उसको इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि आप पूछो मत, तो बहुत ज़्यादा कि मुझे मेरे भाई के बिना कोई मेरे भाई से ज़्यादा बढ़ के मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं, सीधी सी बात है। बाकी ये कि बहुत ज़्यादा कल से भी ऐसे, कल भी मैं लाइव चली हुई थी तो किसी ने मेरे से सवाल पूछा था भैया के हॉस्टल में पढ़ते होंगे वो, तो उन्होंने सवाल पूछा था मेरे से कि हाँ आपके भाई थे बड़े वो भी, उनको भी जानता था मैं, तो उसके दिन भी मतलब होता है कभी कभी आ ही जाती याद, तो फिर कभी सुनाऊंगी मैं आपको पूरी बातें। तो फिलहाल हम ब्लैंकेट धो रहे, मैंने किया आज रूम की सफाई और इसमें था जो चूहा घुस गया था बेड में, पता नहीं कैसे घुस गया, कोई पता नहीं कभी खुला है मैंने कि क्या किया पता नहीं, तब घुस गया, अभी पता नहीं निकला है वो कि नहीं निकला, पर मैंने जो अपने मतलब कपड़े थे वो दूसरे साइड में रख दिए, अब शायद पता नहीं क्या होता है, काट जाएंगे तो काट लेंगे यार क्या करना। तो आज जो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा सैड है, कल से ही बहुत ज़्यादा सैड है। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए मेरे वीडियो पे।
चुकी हूँ गाइस, तो पी रही हूँ चाय। शिवानी के घर जाना है तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और मैं पी रही हूँ चाय। मैंने आज दिन में जो है खाना नहीं खाया, मुझे भूख नहीं है आजकल कुछ लग रही, तो खाना मैंने खाया नहीं। अब मैंने ठंडे सूट पहनना शुरू कर दिए क्योंकि गर्मियाँ अभी इतनी ज़्यादा बची नहीं है, और मतलब ये कि ठंडे कपड़े हम आराम से पहन सकते हैं। अब मैंने गर्म थोड़े कपड़े अपने सारे उठा दिए, आज यही काम था मुझे। तो अभी शिवानी चाय पी रही हूँ, शिवानी का फ़ोन आ रहा है, बोलती आई नहीं, तो थ्रेड वगैरह लेके जा रही हूँ। मुझे पूछ रही है कि तूने, मैंने 2 सूट लिए उनसे, मैं कौन सा सिलवाऊँ, बोलती तू मेरे को बताना। तो मैं जा रही हूँ उनके घर। जी अभी स्वेटर पहन के नहीं जाऊँ क्योंकि इतनी ठंड भी नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ स्वेटर रहने देती हूँ, स्टोल ले लेती हूँ और जाके। तो इसका जो दुपट्टा है ना वो है गाइस पतला, और मैंने थोड़ी सी की है घर की क्लीनिंग। ये मेरा छोटा सा, ये मैंने अपने लिए यूज़ करने के लिए नहीं रखा, सिर्फ ये चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये इसमें से कभी सीरम यूज़ कर लेती हूँ कभी कभार, नहीं तो बाकी कोई भी चीज़ है जो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करती। मेरे यूज़ करने वाली कोई आता है, फेशियल किट वगैरह रखी हुई है इधर, ये आप देख सकते हैं इधर रखी हुई है। तो जैसे कोई आ जाता है तो उनको मतलब करवाना पड़ता है, किसी को फेशियल करना पड़ता है, किसी के पास मतलब होता है कि ये सामान नहीं होता है, तो फिर वो मतलब सामान के पैसे भी मुझे दे देते हैं, और ये फेशियल भी है जो करवा लेते हैं। तो अभी चलते हैं शिवानी के घर, तो मिलते हैं आपको रास्ते में गाइस। मतलब नहा के अगर स्वेटर वगैरह नहीं डालेंगे तो बीमार होने का खतरा भी आपको पता है, मुझे तो रहता ही है वैसे ही, तो ये बात है। तो अभी मैं जा रही हूँ शिवानी के घर क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ करवाना है, और बहुत दिन से बुला रही थी मुझे कि आते नहीं हो आप, आते नहीं हो। तो मैंने कहा चलो जाते, थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी, घर पे भी क्या बैठे रहना थोड़ी देर, बस तो काम ही होता है, दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, जल्दी जल्दी काम पे निकल जाता है सारा दिन। और आज जो था मेरा मूड, आज जो मूड था मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था कल से ही, जब मुझे मतलब जब मैं लाइव चली हुई थी तो मुझे बोल रहे थे कि बड़े भैया के बारे में, उसके बाद मतलब सुबह जब मैंने मतलब बेड बॉक्स जो भी है वो खोला, उसके बाद जो मुझे वहाँ भैया की पैंट वगैरह दिखी, और बहुत कपड़े हैं अभी भैया के हमने जो संभाल के रखे हुए हैं, तो जो होता है बहुत ज़्यादा फील होता है यार गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी लाइफ याद करूँ ना तो मुझे जो है बहुत ही फील और बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है कि हमारी इतनी गंदी लाइफ बीती है। भगवान करे, मैं चाहती हूँ किसी और की ऐसी लाइफ ना हो जैसे दिन हमने देखे हैं, भगवान करे कोई ना देखे ऐसे दिन, किसी को देखने ना पड़े ऐसे दिन जैसे दिन हमने देखे हैं। तो मिलते हैं गाइस, ये हमारे घर के साथ घर है, मतलब साथ वाले घर जो भी हैं, तो मिलते हैं गाइस आपको सिर्फ शिवानी के घर जाके। और ये भी हमारे भाभी वगैरह के घर हैं, तो ये इनके डंगर जो आपने देखे हुए हैं, पशु वगैरह जो भी होते हैं, कनक उधर घर का काम लगा हुआ है। तो भैया अभी तक शॉप नहीं गए हैं मेरे, आज शायद मुश्किल ही जाएँ, काम है कुछ, बताएंगे आपको बाद में जब हो जाएंगे सारे काम। बाइक लगी हुई है भैया की मेरे, अब इसको भी ढक के रखना पड़ेगा कभी, वैसे तो शॉप पे रहेगी, ये ढकना कहाँ है इसको। तो कनक कितनी अच्छी लग रही है ना, हरी भरी सी। और मैं उधर कर दूँगी फ़ोन बंद क्योंकि लोग होते हैं आपको पता है, गाँव के लोग आते ठीक होते हैं, आते समझते हैं, आते नहीं समझते हैं, तो इसलिए छुपा लूँगी मैं अपना ट्राईपॉड। वाली फाइनली गाइस मैं शिवानी के घर पे, तो देखते हैं उधर कौन है कौन नहीं है। गाली निकाली कि मुझे बहुत दिन से नहीं, बहुत देर से बुला रही थी, तब देखना आपको पता ये बदतमीज भी कितनी है वो। तो गाइस ये शिवानी का सूट सिलवाना है, तो इसको बताना जरूर कैसा है इसका सूट, और इसने मुंह नहीं धोया है गाइस ये कभी भी। हेलो गाइस, अभी बना रही शिवानी चाय। क्या पिलाना आपने हमें आज? जहर पिलाना यार, तो ये पिला रहे मुझे जहर, तो क्या कर सकते हैं। अभी बना रही है शिवानी चाय, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे, बाय बाय बाय। चाय बनाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे, ठीक है गाइस। अभी मैं वहाँ से उनका काम वगैरह करके चली आई, उनका जो भी काम था, तो अभी जा रही हूँ मैं शॉप पे, मुझे लेना है सामान, तो सामान लेके। वैसे रास्ते में मिस्टी का घर भी है, देखती हूँ 2 मिनट बैठना होगा तो बैठती हूँ, नहीं तो घर चले जाना है मुझे, वो आज दिन ऐसे ही निकल गया। तो मिलते हैं अभी गाइस, अभी मैं मिस्टी के पास पहुँच चुकी हूँ, यहाँ से जा रहे हैं शॉप पे। कहाँ जा रहे हो आप?
दुकान जा रहे हो? हाँ। क्या लेने के लिए जा रहे हो? चिज्जी लेने के लिए। क्या चिज्जी लेनी है? पैसे की चिज्जी। पैसे की चिज्जी? हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर जूस हम देना है। जूस जूस हाँ। जूस के लिए भी पैसे नहीं है। और तो गाइस हम शॉप पे सामान ले लेते हैं फिर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हमने ले लिया है तो अभी जा रहे हैं नव्याश पीछे पीछे। नव्याश दोस्तों हम घर में जा रहे थे देखो ये क्या है। तो गाइस अभी सामान ले लिया है तो मिलते हैं घर जाके। ये घर। हेलो गाइस मैं गई थी घर से 3 बजे और घर जा रही हूँ अभी। घर जाते बज गए 5 और मम्मी से पड़ेंगी गालियाँ बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे घर से निकले हुए और बाहर जो है सामने सूरज भी ढलने वाला है। और अभी घर जा रहे हैं हम जाते हैं घर पे और मिलते हैं आपसे घर जाके। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। आईब्रोज वगैरह बनानी थी अपनी तो इसलिए ऊपर से देख रही लड़की ये क्या कर रही है तो मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग तो शायद घर पे बजेंगी मुझे गालियाँ तो आप लोग भी सुनना मुझे कैसे गालियाँ पड़ती हैं। मम्मी से सामान भी ले आई हूँ बट गालियाँ भी पड़ रही हैं मुझे। कोई भी काम है वो आसान नहीं होता और मुझे नानी के घर भी बैठना पड़ता है फिर माम भी बोलते हैं कि तू आती है और ऐसे ही चली जाती है तो पहले पीती हूँ पानी। नानी भी आए भूख लगी दिन में कुछ भी नहीं खाया मैंने आज कुछ भी नहीं खाया भूख ही नहीं लग रही है तो सुबह खाई थी थोड़ी सी खिचड़ी वो भी रात को भी नहीं खाया मैंने खाना तो अभी खाते हैं देखते हैं मैगी लेके आई हूँ मैं बनाती हूँ उनको। तो गाइस चलते हैं नानी के पास और थकान इतनी ज़्यादा हो रहा है ना मेरा मन कर रहा है कि सो जाऊँ। कल रात को मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी तो मुझे पूरा 1 बज गए रात को ब्लॉग एडिट करते हुए क्योंकि फ़ोन मैं कितनी एक बार एक ही बात बोलूँ तो फ़ोन कर रहा था मेरा बहुत ज़्यादा हैंग पर मैंने जो भी है जैसे तैसे करके मैंने सारी फ़ोटो वगैरह अपनी सो डिलीट करके सब कुछ फिर मैं ग्रो प्रो का देख रही हूँ अगर मिल जाएगा अच्छा सा कोई अगर थोड़ा अभी है टाइम मुझे तो फिर मैं वो भी ले लूँगी तो मिलते किचन में जाके। नानी आ चुकी है और मम्मी ने चाय भी रख दी हुई है तो मुझे लगी बहुत जोर की भूख तो देखती है अभी क्या करना है क्या खाते हैं। तो गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। 1 hour later दाल मैंने चढ़ा दी है चूल्हे पे चढ़ा दी और खाया भी कुछ नहीं अभी देखते हैं। हेलो गाइस अभी खाना खुना खा के रेडी हो चुकी हूँ मतलब खाना रेडी हो चुका था मैंने खाना बनाया आके पहले सुबह से मतलब क्लीनिंग वगैरह कर रही थी घर की बेड में पानी चूहा घुस गया था मैं कपड़े निकाल रही थी सर्दियों वाले अलग रख रही थी गर्मियों वाले जो सर्दी वाले थे वो मैंने आधे कपड़े उठा दिए इतनी वैसे इतनी ठंडी बची है अब तो इसलिए मैंने वो जो आधे कपड़े थे वो मैंने उठा दिए उधर और बेड में सो चूहा घुस गया था और ऊपर से जो भैया की मतलब कपड़े थे भैया की पैंट थी वो दिख की मुझे उसके बाद जो मेरा मूड है ना मेरी आईज़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा वो रखी हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा आज जो मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हुआ बहुत ही ज़्यादा मतलब याद आ रही थी मुझे कल से ही बहुत ज़्यादा हो रहा था बट मेरी जो लाइफ स्टोरी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी रही है बहुत ही ज़्यादा जितना कि मैं किसी को बता नहीं सकती और कोई मतलब समझने वाला होगा तो वो मतलब अपने आंसू नहीं रोक पाएगा इतनी ज़्यादा कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी मतलब अभी भी है बट इतनी नहीं अब हम खुद इतना स्ट्रगल कर चुके हैं कि हम अपना पेट पाल सकते हैं अपनी माँ का पेट पाल सकते हैं खुद अपने मतलब अपनी लाइफ जो है हम खुद जी सकते हैं अपने सहारे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है हमें अभी हमें ये सहारे की ज़रूरत है कि हमें हमारा मतलब जो है भगवान हमारे साथ हो बाकी हमें किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं इस लाइफ में बाकी ऐसे नहीं बोल सकते कब हम अपने हाथ पैर जब तक सलामत हो इंसान तब तक ही कमा खा सकता है जब तक बाकी ऐसे नहीं कह सकते कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ का कोई भी मेरा जितना मतलब बचपन से अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे यही लगा कि अपने माँ बाप के बिना अपने भाई बहन के बिना कोई किसी का नहीं होता है अपने जो परिवार वाले होंगे वही अपने नहीं तो बाकी कोई भी अपना नहीं बनता लाइफ में। जब आपके पास बुरे दिन आ जाए तो आप किसी के आगे हाथ फैला ना सके भगवान करे हर किसी को अपने बाप का प्यार मिले हर किसी को अपने भाई बहन का प्यार मिले क्योंकि लाइफ एक ऐसा मतलब मोड है कि जहाँ पे मतलब आप सोच नहीं सकते कि लाइफ में इंसान को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है किसी को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हमने भी किया बहुत स्ट्रगल किया जब तक मतलब मेरे बड़े भैया थे
तब तक तो मुझे कुछ पता नहीं था दीन दुनिया का, क्या चीज़ कैसे होता है क्या नहीं, कुछ भी चीज़ का पता नहीं होता था, क्योंकि मेरा भाई था जो भी था हमारा, मतलब बड़ा भाई था, हमें दोनों भाई और बहन को कोई पता नहीं था, हम पढ़ हमारी सिर्फ पढ़ने में वो था, बाकी हमें कुछ भी पता नहीं होता घर में क्या है क्या नहीं है, सब खाने पीने का जो भी था भैया ही करता था मेरा बड़ा भाई। तो जब उनका मतलब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद हमारी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई थी। और तो गाइस इतना ही कहना था आज का आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो मुझे। एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।